नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बताया, या यूं कह सकते हैं कि अपने ही मन में उठ रहे उन्माद को किस प्रकार से उन्होंने शांत किया। ये दिखाने का एक उनका जरिया था कि एक मन कह रहा है कि अयोध्या वापस चलते, काम तो खत्म हो गया, क्यों यहां बैठे हुए। दूसरा मन कह रहा है नहीं, धीर गंभीर बने हैं, संयमी बने हैं, अयोध्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जब तक गुरुदेव कुछ नहीं कह देते, जाने की आज्ञा नहीं देते, तब तक हम यहाँ से टस से मस्त नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा किस प्रकार से माता सीता की जो बहनें हैं वो चिंतित हैं कि अब जो मेरी दीदी के साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि उनके मन में जो छवि बस गई, स्वयंवर में सेम व्यक्ति से उनका मिलन विवाह हो, ये हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन वो कहा जाता है ना कि किसी चीज को इस कदर चाहिए कि कायनात भी आपको उससे मिलाने की हर कोशिश कर दे, तो फिलहाल ये देखना है अभी संभव होते हुए। पता तो है ही, लेकिन देखने का मजा। समर की तैयारी शुरू हो गई है मिथिला में, देखते हैं किस प्रकार से दिखाया जाता है। आगे शुरू करते हैं एपिसोड 44 पार्ट 2। सभी में सीता के स्वयंवर का उत्साह प्रत्यक्ष है। सीता जी में छोड़ो, सीता जी भी क्लियर है। हाँ, कहीं ना कहीं ज्यादा है, बस थोड़ा बहुत मन है, मन चंचल मन बावरा। अब सभी राज्यों में इस निमंत्रण पत्र को पहुंचाने की प्रक्रिया आरंभ कर दीजिए, ताकि सबके पास पर्याप्त समय हो स्वयंवर तक यहाँ पहुँचने के लिए। सभी राज्यों में निमंत्रण भेजने के लिए संदेश वाहक तैयार है भैया। मांडवी, ये मेरा है, इसे पहले मैं लाई थी। तो इसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। अरे लड़ना बंद करो, ये सीता के विवाह के निमंत्रण है। तुम दोनों के आपसी संघर्ष में यदि निमंत्रण देने में कोई भूल हो गई ना तो देख लेना। मांडवी, आप अपने स्वयंवर के निमंत्रण की सजावट स्वयं करना चाहती हैं, परंतु इसका कारण क्या है? शीघ्रता या फिर आपको हम सब पर भरोसा नहीं है? मांडवी, निमंत्रणों को गांठने के लिए वैसे निमंत्रण और कौन कौन से राज्यों में भेजे जाएंगे? सभी राज्यों में, यहां तक कि लंका में भी। किंतु वो तो नियम है कि सबको निमंत्रण भेजा जाए। भगवान शिव के महान भक्तों में एक है रावण। अपेक्षित है कि जिसने अपने बल से कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था, उसमें भगवान शिव के धनुष को उठाने का सामर्थ्य तो अवश्य ही होगा। बल से नहीं उठेगा धनुष। किंतु सीता, तुम तो सदैव कहती थी ना कि तुम्हें अपने पिता जैसा पति चाहिए, जो एक पत्नी और एक विवाह में विश्वास रखता हो। किंतु रावण का विवाह तो हो चुका है, आप बताओ निमंत्रण भेजे रावण को या फिर ऐसे भेजे कि समय पर पहुंच ही ना पाए लंकापति तक। सीता बताया भाई उन्होंने,
तुम गौरी माता के मंदिर हो आ। केवल दीदी, हम सब क्यों नहीं बड़ी माँ? तुम तीनों जाओगी तो ये जो कार्य पहले से फैला हुआ है और जो अधूरा है उसे कौन पूरा करेगा? तुम गौरी माता के मंदिर हुआ हो सीता, प्रार्थना करो माता से, स्वयंवर का निमंत्रण भेजे जाने का शुभ समय अब आ गया है। मिथिला नरेश सीरध्वज चनक के भवन में एक दिव्य धनुष है जो चनक के पूर्वज राजा देवव्रत को भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। भगवान शिव का धनुष? हाँ राम, मेरी इच्छा है कि तुम दोनों उस दिव्य धनुष के दर्शन कर लो, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि हम मिथिला के लिए प्रस्थान करेंगे। हम बिना निमंत्रण के पहुंच जाते हैं। और यदि मेरी अनुभूति में सत्यता है तो मेरी नियति बनकर अपने आप प्रत्यक्ष होगी। हाँ, ये मेरा विश्वास है। मन में लड्डू फूटा। मिथिला नरेश की पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण आया है। इसमें इतना छंबे थोड़ी की क्या बात है, मिथिला और हमारे संबंध तो बहुत पुराने हैं। जब वहां अकाल आया था हमने उनकी सहायता की थी और राजा जनक ने कई बार आभार भी प्रकट किया है। अब पुत्री का स्वयंवर आयोजित करने वाला पिता चाहता है कि उसकी पुत्री के लिए अच्छे से अच्छा वर मिले,
और हमारे पुत्र आर्यवर्त में श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ राजकुमारों में माने जाते हैं। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि हमारे पुत्रों की वधु भी पूरे आर्यवर्त में सर्वश्रेष्ठ हो। वधु ऐसी हो जो अयोध्या का ऐश्वर्य रघुकुल की मान मर्यादा का सम्मान कर सके, उससे अभिभूत ना। मिथिला के बारे में मैंने सुना है, आवश्यकता पड़ने पर आप उनकी सहायता कर सकते हैं, किंतु उनके साथ संबंध जोड़ना, इससे हमारी प्रतिष्ठा को कोई लाभ नहीं पहुंचता। और जहां तक मेरे राम का प्रश्न है, उससे तो जिस भी राजकुमारी का विवाह होगा वो अपने आप को भाग्यशाली समझेगा। ऐसे में मिथिला नरेश की पुत्री के स्वयंवर में जाकर राम का बैठना, ये बात मुझे तो समझ नहीं आ रही। दीदी, क्या आप राम के लिए ऐसी वधु स्वीकार करें? इनकी बात और किसी समझ नहीं आ रही। परंतु की कही निमंत्रण अस्वीकार करना मिथिला नरेश का अपमान माना जाएगा। आप लोग इतनी दुविधा में क्यों हैं? कि नियति में लिखा है कि ये विवाह नहीं होना है, तभी तो निमंत्रण तब आया जब राम यहाँ उपस्थित ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि राम के भाग्य में बहुत अच्छी वधु लिखी है। आप उनसे कह दीजिए कि राम यहाँ है नहीं, इसीलिए वो स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हो सकता। और ये बात सत्य भी है, इस प्रकार मिथिला नरेश का अपमान भी नहीं होगा। राम नहीं है तो भरत को तो भेज सकते हैं। भरत राम से छोटा है, राम का विवाह पहले होना चाहिए। कैकेयी सही कह रही है, यदि मिथिला के प्रस्ताव को मना करना ही है तो यही उचित समय है। ये सत्य है महाराज। और बढ़िया ट्विस्ट होगा, ये खबर पहुंच जा रही है। ये खबर स्वयंवर की तैयारियों की चकाचौंध में तो हम भूल ही गए थे कि माता अहिल्या का भी सीन अभी आने ही वाला है। देखते हैं माता अहिल्या का तारण किस प्रकार से दिखाया गया है और जो स्वयंवर में ट्विस्ट आने वाले हैं, यहां से खबर जाएगी कि भाई पहुंच नहीं पाएंगे हमारा लड़का। पहली बात तो खुशी हुई कि अयोध्या भेजा जा रहा है निमंत्रण, लेकिन जिस प्रकार से वहां से मना किया जाएगा तो माता सीता को लगेगा कि वहां से नहीं आने वाले प्रभु। लेकिन जब विश्वामित्र जी दो जेलों को लेके पहुंचेंगे तब देखने में ट्विस्ट लग ही आएगा कि चलते हुए चलो शिव धनुष के दर्शन कर लो। अरे ये तो स्वयंवर है। अरे ये तो तोड़ दिया, कर लो। नहीं, कहीं ना कहीं सोच इस प्रकार से दिखाई गई माता कैकेयी की, अगर निमंत्रण पहुंचा होता तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम जी को नहीं भेजा जाता, जिस प्रकार की सोच दिखाई गई। एक प्रकरण अभी इसमें और भी अच्छा आने वाला है, वो है परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का और श्री रामचंद्र जी का संवाद। क्योंकि क्रोधवश वाला जब शिव धनुष तोड़ा जाता है, जो है ना वो बहुत ही प्रचलित है। अच्छा, रावण की एंट्री भी दिखाई जाएगी तो वो भी अच्छा सीन होगा। रावण के बारे में खास बात ध्यान रखिए, कुछ वर्षों पूर्व पहली बार मुझे पता चला गया, शिव पूजा आयोजित हुई थी हमारे यहाँ पर, तो जो शिव जी का अभिषेक होता है रुद्राभिषेक जिसे कहते हैं, वो पंडित जी करवा रहे थे। तो उन्होंने पहले शिवलिंग बनाया, फिर गौरी गणेश और कार्तिकेय जी को बनाया, फिर नाग देवता को बनाया, उसके बाद उन्होंने 11 अलग अलग पिंड बनाए छोटे छोटे। तो मैंने पूछा ये पंडित जी क्यों है, तो उन्होंने कहा ये 11 रुद्र है। फिर उन्होंने एक और अलग से बैठा दिया। हमने कहा ये कौन? कही रावण। हमने कहा रावण? हाँ। हमने कहा इनको क्यों रखा गया है? क्या पुरोहित थे? हमने कहा पुरोहित थे? हाँ, शिवजी के पुरोहित थे भाई। शिवजी के, ब्राह्मण के पिता जो थे वो शिवजी के पुरोहित थे, और पुरोहित का यही सीन रहता है कि जो भी ब्राह्मण अपने लड़कों को अगर ब्राह्मणवाद सिखाता है तो वही उनके पुरोहित बनते हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि रावण के पास सारी विद्याएं थी, वो किसी भी विद्या से अधूरे नहीं थे। क्षमता भी थी। लेकिन वो राक्षसी प्रवृत्ति जानते, बस वही आवेश, राक्षसी प्रवृत्ति। हाँ, अपना पूरा प्रयास करेंगे कि हाँ मुझसे उत्तम कौन ही हो सकता है। देखने में बड़ा आनंद आने वाला है। तो इस एपिसोड को ही समाप्त करते हैं, शीघ्र मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।